तो गाइज यार आप लोग स्क्रीन में इस इमोट रॉयल को ध्यान से देखो। मैं आप लोगों को बताऊं तो गाइज यार यहाँ पर से हम लोगों को एक बहुत ही कमाल का क्रेट मिलेगा जिसके अंदर गाइज यार एक नहीं बल्कि चार चार इमोट्स होंगे। जी हाँ गाइज, फिलहाल तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे एक क्रेट मिल भी चुका है। और गाइज इसी क्रेट के अंदर से हम लोगों को चार इमोट मिल रहे हैं, जहाँ पर से कोई सा भी एक इमोट हम लोग सिलेक्ट करके क्लेम कर सकते हैं। भाई सच में यार ये बहुत ही कमाल का रॉयल है। एंड यार काफी जल्द ये रॉयल हमारे इंडिया सर्वर के अंदर भी आने वाला है, आप लोग चिंता मत करो। गाइज यार आज की वीडियो में आप लोगों को इसका एग्जैक्ट कंफर्म डेट बताऊंगा। फिर तो गाइज यार इतना ही नहीं, आज की वीडियो में तो हमारे गेम के अंदर आने वाले और भी बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि गाइज आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले क्रिमसन इवेंट के बारे बताऊंगा। जी हां गाइज, अभी तो हमारे इंडिया सर्वर के अंदर रमजान इवेंट चल रहा है, बट भाई रमजान इवेंट के बाद हमारे गेम के अंदर क्रिमसन इवेंट आने वाला है। आप लोग चिंता मत करो गाइज, आज मैं आप लोगों को क्रिमसन इवेंट के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि क्रिमसन इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर कब स्टार्ट होगा, एंड क्रिमसन इवेंट में हम लोगों को कौन से आइटम हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। यार आज तो हम लोग हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट ईवो गन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां गाइस, यार अभी बहुत सारे बंदे कंफ्यूज्ड हैं और जानना चाहते हैं कि हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट ईवो गन कौन सा आएगा। तो भाई आप लोग चिंता मत करो, आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट ईवो गन का भी सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। जी हां गाइस, यार एक तरीके से देखा जाए तो भाई आज का वीडियो रहने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यार इन्फॉर्मेशन तो आप लोग पूछो ही नहीं। आज के वीडियो में हमारे गेम के अंदर आने वाले पेड इवेंट फ्री इवेंट सभी का इन्फॉर्मेशन है, इसलिए तो यार आज के वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखना। आज के वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो चलो यारो फिलहाल हम लोग बिना किसी फालतू टाइम को वेस्ट करे हुए आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट ईवो गन के बारे में। भाई सच में यार कल के वीडियो में मुझे बहुत कमेंट्स आए कि हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट ईवो गन कौन सा आएगा, यही कारण है कि गाइस यार आज की वीडियो में आप लोगों की स्टार्ट ही इस टॉपिक से कर रहा हूँ। जी हाँ गाइस यार, फिलहाल तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो आप लोग स्क्रीन में M1014 स्कॉर्पियो सैडर स्किन देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को बताऊं तो यार यही है हमारे गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट ईवो गन। और यार वैसे क्योंकि अभी हमारे गेम के अंदर ऑलरेडी एक ईवो गन पड़ा है M10 का, तो इसलिए गाइस यार मैं इस ईवो M10 को ज्यादातर ईवो M10 2.0 कहूंगा। बाकी तो गाइस यार अगर हम लोग इस ईवो गन की कंफर्म डेट और कंफर्म इवेंट की बात करें, तो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे गेम के अंदर आने वाले हर एक ईवो गन की तरह ये वाला ईवो गन भी हमारे इंडिया सर्वर के अंदर फिटेड व्हील में ही आएगा। जी हाँ गाइस यार, अभी तो आप लोग स्क्रीन में फिटेड व्हील का रिव्यू देख ही पा रहे होंगे। मैं आप लोगों को बताऊं तो यार आज से लगभग 1 से 2 हफ्ते के बीच में हमारे गेम के अंदर एग्जैक्ट सेम टू सेम यही वाला फिटेड व्हील आने वाला है, जहां पर से गाइस हम लोग ईवो M10 2.0 को ले पाएंगे। फिलहाल तो गाइस यार देखो, अगर मैं आप लोगों को इस ईवो M10 के रिगार्डिंग अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दूं, तो भाई जब ये ईवो गन हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आएगा यार मैं तो इसे नहीं निकालूंगा, क्योंकि भाई मेरे पास ऑलरेडी एक M10 का ईवो गन पड़ा है जो कि इससे काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए यार इसको लेना तो एकदम वेस्ट ऑफ मनी है। बाकी तो गाइस यार आप लोगों को ये ईवो M10 कैसा लगा और क्या आप लोग इसको निकालोगे या फिर नहीं निकालोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर तो गाइस देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जी हाँ गाइस, जब हमारे गेम के अंदर ये ईवो M10 2.0 आएगा, तो उससे पहले पहले हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर ग्रीन फ्लेम ड्रैगो वाला जो हमारा पुराना ईवो M10 का स्किन है वो रिटर्न पे देखने को मिल सकता है। जी हाँ गाइस देखो, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, इसके रिगार्डिंग ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, जस्ट यार लीक्स आ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी तो गाइस आप लोग चिंता मत करो, जैसे ही मुझे इस वाले ईवो M10 के रिटर्न के रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में वो भी बता दूंगा। पर फिलहाल तो गाइस अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यार अभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले प्रोजेक्ट क्रिमसन इवेंट के बारे में। जी हाँ गाइस देखो, फिलहाल तो हमारे गेम के अंदर रमजान इवेंट चल रहा है, और अभी 28 तारीख से ही हमारे गेम के अंदर क्रिमसन इवेंट के भी कुछ आइटम्स आ रहे हैं। जी हाँ गाइस यार, आप लोगों को पता होगा अभी हम लोगों को कुछ फ्री रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे। मैं आप लोगों को बताऊं तो यार ये फ्री रिवॉर्ड हमारे क्रिमसन इवेंट के ही हैं। तो भाई फिलहाल यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर क्रिमसन इवेंट तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट यार अभी तक उसके पास कुछ फ्री रिवॉर्ड्स हम लोगों को मिल रहे हैं। एंड अभी तो गाइस यार और भी कुछ बहुत ही कमाल कमाल के आइटम्स है जो कि हमारे गेम के अंदर आने वाले हैं। चलो गाइस यार फिलहाल हम लोग क्रिमसन इवेंट के सारे आइटम्स का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जी हाँ गाइस यार, अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जितने भी आइटम गाइस आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो ये हमारे क्रिमसन थीम के ही आइटम है। जी हाँ गाइस, सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का ईवो बंडल देखने को मिल रहा है, जो कि यार सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। उम्मीद है गाइस यार आप लोगों को भी ये ईवो बंडल पसंद आ रहा होगा। बाकी तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो ये ईवो बंडल हम लोगों को यहाँ पर से एक नहीं बल्कि चार चार कलर्स में देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, सबसे पहले यहाँ पर इसका रेड कलर है, उसके बाद यहाँ पर इसका ब्लू कलर भी है, देन तो गाइस यार हम लोगों को इसी बंडल का येलो कलर देखने को मिल रहा है, जो कि सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये कलर पसंद आया होगा। फिर तो गाइस यार यहाँ पर इसी बंडल का पर्पल कलर भी है, और यार मुझे तो पर्पल कलर भी बहुत अच्छा लगा। फिर तो गाइस देखो, हम लोगों को यहाँ पर इस
ईवो बंडल के बाद ईवो M10 का स्किन भी देखने को मिल रहा है, जिसका रिव्यू मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूँ। साथ ही साथ गाइस यार मैंने तो इसके इवेंट के बारे में बता दिया, यही कारण है कि गाइस यार अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और गाइस फिलहाल तो आप लोग स्क्रीन में क्रिम्सन डायमंड इमोट देखो। भाई सच में यार ये इमोट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार ये है हमारा ईवो M10 का इमोट। मुझे पता है गाइस यार आप लोग सोच रहे थे कि ये इमोट हम लोगों को अलग से मिलेगा, बट नहीं गाइस ये तो हमारा ईवो M10 का इमोट है। फिर तो गाइस यार ये ईवो M10 के इमोट के बाद अभी आप लोग यहाँ पर अवेलेबल एक एनिमेशन को देखो। सच में यार भाई ये एनिमेशन बहुत ही कमाल का है। उम्मीद है गाइस आप लोगों को भी एनिमेशन पसंद आया होगा। भाई नॉर्मल सी बात है यार, पसंद तो आना ही चाहिए, काफी ज्यादा भयंकर एनिमेशन है। बाकी तो गाइस यार हम लोगों को इस एनिमेशन के बाद यहाँ पर कुछ और भी आइटम देखने को मिलेंगे, जैसे कि गाइस यार यहाँ पर एक स्कॉर्पियन फ्रेंड वाला इमोट अवेलेबल है, जो कि यार अभी तो आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। भाई सच में यार ये इमोट भी एक नंबर है। देन तो गाइस यार हम लोगों को यहाँ पर ये स्कॉर्पियन फ्रेंड इमोट के बाद एक एचिंग पावर नाम का इमोट देखने को मिल रहा है। और भाई मैं आप लोगों को बताऊं तो यार ये इमोट तो बेन 10 की कॉपी लग रहा है। फिर गाइस यार बेन 10 की कॉपी इमोट के बाद यहाँ पर हम लोगों को एक फिश का स्किन भी देखने को मिल रहा है, जो कि यार अभी तो आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। देन गाइस यार इस ओपी से फिश के बाद यहाँ पर एक कटाना का स्किन भी है, एंड यार ये वाला कटाना का स्किन भी काफी ज्यादा मस्त है। उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये कटाना का स्किन पसंद आया होगा। तो ओवरऑल तो गाइस यार देखो फिलहाल मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट क्रिम्सन इवेंट के जितने भी सारे आइटम्स दिखाए, ये सारे आइटम हम लोगों को हमारे गेम के अंदर पेड इवेंट में देखने को मिलेंगे। उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये आइटम पसंद आया होगा। बाकी तो गाइस यार देखो अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यार अभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले OB40 अपडेट के बारे में। जी हां गाइस यार मैं आप लोगों को बताऊं तो 22 मार्च के दिन हमारे गेम के अंदर OB39 अपडेट आया था, एंड भाई अब डायरेक्ट 1 जून के दिन हमारे गेम के अंदर OB40 अपडेट आने वाला है, जिसका गाइस यार एडवांस सर्वर हम लोगों को लगभग 18 या फिर 19 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। भाई कसम से यार जितना मुझे OB40 अपडेट का इंतजार नहीं है, उतना तो मुझे एडवांस सर्वर का इंतजार है, क्योंकि भाई एडवांस सर्वर के अंदर हम लोगों को अनलिमिटेड डायमंड्स मिलते हैं। साथ ही साथ गाइस यार वहां पर मोस्टली सारे के सारे आइटम हम लोगों को स्टोर से एक ही डायमंड में मिल जाते हैं। मुझे पता है गाइस यार आप लोगों को भी एडवांस सर्वर बहुत पसंद आता होगा। बाकी तो गाइस अगर हम लोग इस बार के OB40 अपडेट की बात करें, इस बार का OB40 अपडेट बहुत कमाल का है, क्योंकि यार इस बार हमारे गेम के अंदर काफी सारी छेड़खानी होने वाली है। जैसे कि गाइस यार इस बार के OB40 अपडेट के बाद हम लोगों को हमारे गेम के अंदर ना तो इंक्यूबेटर देखने को मिलेगा, और ना ही गाइस यार हमारे गेम के अंदर डायमंड रॉयल रहेगा। भाई सच में यार नेक्स्ट OB अपडेट के बाद ये सारी चीजें हमारे गेम के अंदर से रिमूव हो जाएंगी। बड़ा सुना सुना सा लगेगा यार फिर हमारा लग रॉयल बिना इंक्यूबेटर और बिना डायमंड रॉयल के। बाकी तो गाइस यार देखो अगर आप लोगों को पता होगा तो हमारे गेम के अंदर जिस दिन OB अपडेट आता है उसके अगले दिन ही हम लोगों को हमारे गेम के अंदर सुबह 4 बजे यहाँ गोल्ड रॉयल भी देखने को मिलता है। जी हाँ गाइस यार मेरे कहने का मतलब यह है कि क्योंकि हमारे गेम के अंदर 1 जून के दिन OB40 अपडेट आने वाला है, यार 2 जून के दिन हम लोगों को हमारे गेम के अंदर सुबह 4 बजे ही नया गोल्ड रॉयल देखने को मिल जाएगा। और भाई अगर तो हम लोग बात करें कि हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट गोल्ड रॉयल कौन सा आने वाला है, यार अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो गोल्ड रॉयल गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो यही हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल। यहाँ पर गाइस यार हम लोगों को ग्रैंड प्राइज के तौर पे एक क्रेट मिलेगा, जिसके अंदर 4 इमोट्स अवेलेबल रहेंगे। जी हाँ गाइस यार अभी आप लोग स्क्रीन में खुद ही देखो, मुझे यहाँ पर से एक क्रेट मिल गई है, और भाई इसी क्रेट के अंदर है 4 इमोट। जी हाँ गाइस जैसे ही मैंने इस क्रेट को ओपन करा तो कुछ इस तरीके से मेरे सामने 4 इमोट्स आ चुके हैं, एंड भाई अभी हम लोग यहाँ पर से कोई से भी इमोट को ले लेंगे। भाई सच में यार मुझे तो ये गोल्ड रॉयल बहुत ही अच्छा लगा। बाकी तो गाइस यार आप लोगों को गोल्ड रॉयल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओवरऑल तो गाइस यार देखो क्योंकि अभी तो मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले सारे के सारे अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन दे दिया है, इसलिए तो यार अभी तो हम लोग आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आप लोग ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।